22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से पहले इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार राम मंदिर के उद्घाटन पर सवाल उठा रहा है। शंकराचार्यों के बयान का हवाला देकर भाजपा के इस राम मंदिर के उद्घाटन की योजना पर लगातार हमलावर है, लेकिन इस बार खुद बीजेपी के ही नेता ने शंकराचार्यों को लेकर कह दी बड़ी बात। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। भाजपा की पूरी कोशिश है राम मंदिर उद्घाटन को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भुनाने की। उद्घाटन समारोह में भी अब कुछ ही दिन बचे हैं और विपक्ष अपना पूरा जोर लगा रहा है बीजेपी को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देने का। शंकराचार्यों ने भी इस उद्घाटन को अधार्मिक बताते हुए जाने से इनकार कर दिया है। शंकराचार्यों का राम भक्ति में बड़ा योगदान रहा है और राम मंदिर के पूरे मामले में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। अब उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पहले तो विपक्ष के नेता ही भाजपा पर हमलावर थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी चर्चा में आ गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, केरल की भूमि अत्यंत पवित्र है। इस धरती ने सनातन को आदि शंकराचार्य जी जैसा नायक दिया, जिसने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा भौगोलिक स्तरों पर सार्वभौमिक एकात्मता का सूत्रपात किया। मैं आचार्य शंकर की ज्ञान भूमि और गुरु भूमि मध्य प्रदेश से उनकी जन्मभूमि कालड़ी आया हूँ। यहाँ की दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा आत्मा को और उज्जवल कर रही है। अपनी इस पोस्ट में सनातन धर्म में शंकराचार्यों की महत्ता बताते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश से शंकराचार्य के गहरे नाते पर भी बात की। हालांकि उन्होंने अपनी इस पोस्ट में कहीं भी भाजपा और शंकराचार्य से जुड़े विवादों का जिक्र नहीं किया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पोस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं शिवराज ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। आपको बता दें, हाईकमान से अपनी नाराजगी के चलते आए दिन शिवराज सुर्खियों में रहते हैं। एक तरफ पीएम मोदी के समर्थक शंकराचार्य के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवराज ने शंकराचार्यों के समर्थन में अपना बयान देकर मोदी सरकार के समर्थकों को ही ललकारा है। मामले में अब आगे क्या नई हलचल सामने आती है, ये देखने वाली बात है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।